अतु बुध रस। आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तुओं को देखने और सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण हो वह अद्भुत रस होता है। देखिए दोस्तों, उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुल कातु। निम्न पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। एक बार जब यशोदा कृष्ण से कहती है कि तुमने मिट्टी खाई है, तुम अपना मुख खोलो, इस पर कृष्ण माता को अपना मुख खोलकर दिखाते हैं। यशोदा कृष्ण के मुख में जब पूरे ब्रह्मांड सजीव निर्जीव वस्तुओं को देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। चलिए दोस्तों, उपरोक्त पंक्तियों में रस के अंगों की चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अद्भुत रस की। तो उपरोक्त पंक्तियों में अद्भुत रस है, स्थायी भाव विस्मय है, क्योंकि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, इसलिए यहाँ पे स्थायी भाव विस्मय है। आश्रय माता यशोदा है, आलंबन कृष्ण का मुख है, उद्दीपन मुख में ब्रह्मांड और सजीव निर्जीव प्राणियों को एक साथ देखना है, अनुभव स्वर भंग रोमांच संचारी भाव त्रास है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है शांत रस। जहां संसार के प्रति वैराग्य का भाव रस से परिपूर्ण होकर अभिव्यक्त होता है वहां शांत रस होता है। देखिए दोस्तों, उदाहरण है, बुध का संसार त्याग क्या भाग रहा हूँ भार देख, तुम मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निसार देख, अकेला मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह कब तक हे प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बार है टिम टाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। देखिए दोस्तों, उपरोक्त पंक्तियों में गौतम बुद्ध ने संसार में जीवन को क्षण भंगुर माना है। उन्हें बार बार यह ध्यान आता है कि संसार क्षणिक है, इसीलिए उन्होंने शांति के लिए अपने राजकाज और घर को छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, उपरोक्त पंक्ति में रस के अंगों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम शांत रस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ शांत रस आएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, इसलिए यहाँ स्थायी भाव निर्वेद आएगा। आश्रय गौतम बुद्ध जी, आलंबन क्षण भंगुर संसार है, उद्दीपन निस्सरिता का उन्हें बार बार ध्यान आना है, अनुभव संसार को त्याग कर घर से निकल जाना है, संचारी भाव मति और वितर्क है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।